ये कहाँ आ गए हम। कुछ ऐसी फीलिंग होती है 12th के स्टूडेंट जब करंट इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म करके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में इन करता है। नमस्कार, आज मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शुरू कर रहा हूँ। टॉपिक जिससे शुरू कर रहा हूँ वो है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैंने किया क्या है कि एक प्लेन जो ड्राइंग करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्लेन इस तरह से वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन लेकर के, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के एज पे एक मैग्नेटिक फील्ड मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर एज आपको दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी ले लिया। जो चार्ज है उसको इस कॉर्नर पे रख लेते हैं और इसके साथ एक एंगल बनाता हुआ वेलोसिटी वेक्टर भी ले लेते हैं। इस तरह से कुछ एंगल बनेगा जैसा आपको दिख रहा है। तो ये चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है, एंगल यहाँ पर थीटा ले लीजिए। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा ओ एफ प्रोपोर्शनल होगा, पहला चीज चार्ज के मैग्नीट्यूड का, दूसरा प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के, तीसरे प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, और फोर्थ नंबर में प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल थीटा। इसी को अगर कंबाइन करके प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे तो आपके पास F इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा आ जाएगा। अगर F को यूनिट 1 न्यूटन मान लें, Q को 1 कूलम मान लें, V को 1 मीटर पर सेकेंड मान लें, B को 1 टेस्ला मान लें और साइन थीटा को भी यूनिट एज्यूम कर लें 1, तो ऐसे केस में K ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। इसका मतलब कांस्टेंट के का वैल्यू अगर 1 इंसर्ट कर देते हैं तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा आपको एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन आपको बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स दे देगा। अब मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आप सिचुएशन एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट आपको केसेस मिल जाएंगे, केसेस ऑफ जीरो मैग्नेटिक फोर्स। देखिए एफ जो होगा वो जीरो होगा, कब? जब क्यू जीरो होगा, मीन्स पार्टिकल अगर न्यूट्रल हो तो, पार्टिकल इज न्यूट्रल। तो आपको पहला कंडीशन एफ जीरो का मिल गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर वी जीरो हो जाए, एफ जीरो होगा इफ v इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल भी हो और चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा हो और रेस्ट पे रहे, तो वैसे केस में भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। फोर्थ, अगर आप देखिए f जीरो होगा इफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, मीन्स चार्ज पार्टिकल मूव भी कर रहा है लेकिन ये जो मोशन है इन फील्ड फ्री रीजन है, तो इन सब तीनों केसेस में मैग्नेटिक फोर्स आपको जीरो मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, न्यूट्रल बॉडी पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। दूसरी बात, चार्ज पार्टिकल मूव भी करना चाहिए, क्योंकि रेस्ट में अगर चार्ज पार्टिकल है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और अगर चार्ज पार्टिकल मूव भी कर रहा है और वहाँ पर फील्ड ही मौजूद नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से फ्री रीजन है, तब भी वहाँ मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। एक और केस है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, और ये जीरो मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली मिनिमम होगा, कब? तो ये फोर्थ केस में आप देख लो कि इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, तब एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन जीरो, ये जीरो होगा। इसके अलावा एक और एंगल है, दैट इज 180 डिग्री, क्योंकि साइन 180 भी जीरो होता है, तो क्यू वी वी साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। ये मैग्नीट्यूड की बात हो गई, ये मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है। और अगर आपको कंडीशन चाहिए मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का, ओके, तो उसके लिए फोर
मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या करना होगा आप भी देख लीजिए, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है ना, थीटा को जो हो उसको 90 होना होगा, और अगर थीटा 90 है ओके तो वैसे केस में आपके पास साइन 90 ये हो जाएगा आपको क्यू वी बी साइन 91 एंड दिस इज योर व्हाट मैक्सिमम फोर्स। तो ये तो हो गई मैग्नीट्यूड की बात, चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगता है उसमें आप एक्सप्रेशन के साथ चल सकते हैं, आप मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई कहीं समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच जिसको आपको घबराने की ज़रूरत है। तो यहाँ तक करने के बाद अब आपके मन में आएगा कि भाई फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, और तब हमको इसके डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और जब आप इसके डायरेक्शन को सर्च करने जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन आपको डायरेक्शन नहीं देगा। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, इसका वेक्टर फॉर्म लिखना होगा। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो एफ तो ठीक है हाँ वेक्टर बन जाएगा क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर है वो वेक्टर नहीं बन सकता, वेलोसिटी वेक्टर बन सकता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बन सकता है, और वी भी साइन थीटा है, जब भी आपको साइन थीटा दिखे इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का सेंस आता है, यानी एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पर डायरेक्शन अगर चाहिए, अगर डायरेक्शन चाहिए किसका है ना ऑफ एफ, तो आपको वी क्रॉस बी से रेफर करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर इज अलोंग वी क्रॉस बी। हाँ, और इसको डिटरमाइन करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा पहला है ना राइट हैंड थंब रूल, और नहीं तो दूसरा स्क्रू रूल, स्क्रू रूल भी राइट हैंड थंब रूल जैसा ही है। थर्ड अभी आपको बताते हैं एक स्पेशल केस में, लेकिन इस दोनों रूल को समझ लेना है। आप देखिए आपके पास अगर मान लें कि ये ब्लू पेन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ग्रीन वाला जो पार्ट है वो बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर का, और ये देखिए एंगल चेंज हो सकता है, इस प्लेन में एंगल आप वेरी कर सकते हैं, यानी ये ज़रूरी नहीं कि इस दोनों के बीच में राइट एंगल ही हो, कभी कभार राइट एंगल भी होगा, ऑब्ट्यूज एंगल भी होगा, एंगल वेरी कर सकता है, एंगल चेंज हो सकता है। बट यहाँ पर अब आप ध्यान दें कि हमने जो डायग्राम बनाया है कुछ इस तरह का डायग्राम आपका बना था ओके इस प्लेन पे ओके। अब इस प्लेन पे अगर ये एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का थीटा है, राइट हैंड थंब रूल लगाना है, तो सबसे पहले आपको राइट हैंड का फोर फिंगर्स इसके अलोंग लेकर के जाना होगा और उसको क्रॉस करना होगा, कर्ल करना होगा, और ये थंब जो है वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। यानी यहाँ पर अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स दिखाना है तो इस प्लेन पे मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट अलोंग दिस डायरेक्शन ओके। ये जो डायरेक्शन है एक्चुअली कुछ ऐसा है ठीक है, और इसके लिए आपको एक दूसरा प्लेन लेकर के देखना होगा, ये प्लेन आपको इस तरफ का प्लेन होगा, वर्टिकल प्लेन में होगा, तो यहाँ पर डिफरेंट प्लेन में फोर्स मिल रहा है ओके। एक प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर मिल सकता है। अच्छा, एक और खासियत देखिए, अगर आप इस एंगल को इधर से देखेंगे तो 90 डिग्री दिखेगा, इधर से भी अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री दिखेगा, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वेलोसिटी वेक्टर के और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ एक पेयर ऐसा मिला जो ऑलवेज परपेंडिकुलर, मीन्स क्या है कि एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर मिलना ही है, एंड एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर ये ऑलवेज होगा, याद रखेंगे इसको ओके। जब आपको ये बात पता चल गई तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहेंगे। ये मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल हुआ, ये मूविंग चार्ज पार्टिकल पे ही मैग्नेटिक फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि मूविंग चार्ज पार्टिकल एक तरह से करंट क्रिएट करेगा, और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये बात ऑस्टर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताई थी। यानी मूविंग चार्ज का अपना मैग्नेटिक फील्ड
और यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड दोनों जब इंटरेक्ट करेगा, सेम नेचर का फील्ड जब इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ पर फोर्स लगना लाजमी है। एक स्पेशल केस की बात कर रहे थे, अगर मान लीजिए कि आपको सिचुएशन मिले, क्या सिचुएशन मिले कि ये जो है राइट एंगल हो जाए, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर 90 डिग्री एंगल बना ले, ओके। ऐसे केस में हम लोग यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, ओके। याद रखेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज के मोशन के अलोंग होता है, यानी करंट का डायरेक्शन वही एज्यूम करना होगा जो वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज का है, ओके। तो उसके हिसाब से ये जो थ्री फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं, ओके, इसमें याद आपको क्या रखना है, एफ बी आई, एफ फॉर फोर्स, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड आई फॉर करंट, ये वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। और तीनों आपस में यहाँ देख लीजिए 90, यहाँ देख लीजिए 90, यहाँ पर देख लीजिए 90, कुछ जो शेप होगा वो इस तरह का होगा, ओके, एक शेप कुछ इस तरह का होगा, ओके। तो यहाँ पर हर ये आप लेफ्ट हैंड में ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए स्ट्रेच करके, तो ये 90 डिग्री एंगल सबका बनेगा इस केस में, जब चार्ज पार्टिकल वो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो और मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, तो आप राइट हैंड थंब रूल के अलावा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर लेंगे और उससे भी आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर साथ साथ डिस्कस करना बड़ा अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी क्लियरली आएगा। एक कंडक्टर एज्यूम कर लेते हैं, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से एक करंट, ओके, एज्यूम कर लीजिए कि आई पास हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड बी जो है इस तरफ हमने ले लिया है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इसको रख लेंगे तो यहाँ करंट के साथ या कंडक्टर के साथ एक एंगल थीटा बनता है। इस कंडक्टर के लेंथ को अगर हम एल ले लें, ओके, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा ये हमारा देखना काम है। एक शॉर्टकट तरीका है जैसे बहुत सारे टीचर यूज करते हैं, वो भी आप चेक कर लें। जैसे अभी आपने लिखा था एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, चलिए ठीक है, इसको हम अगर एल लेंथ है, टी टाइम में कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आता है, तो हम क्यू इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एल वेक्टर बाय टी इंटू बी लिख सकते हैं, क्रॉस बी लिख सकते हैं। टी स्केलर है, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा इतना, और आपको Q by T बेसिकली I होता है, तो ये आपके पास L क्रॉस B हो गया। एक्सप्रेशन आपका एकदम सही निकला, एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ओके, लेकिन मेथड ये रॉन्ग है। 3 मार्क्स का CBSE बोर्ड में आता है, मेथड रॉन्ग क्यों है ये भी थोड़ा सा डिस्कस करके बताना चाहेंगे आपको। आपने अभी एज्यूम क्या किया, जो भी वेलोसिटी है वो एल बाय टी है, मतलब आप मान के चल रहे हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा, बट चार्ज पार्टिकल के साथ लिमिटेशन होता है, वो कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं जाता, जैसा कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बताया गया है, ओके। यहाँ पर होगा क्या कि चार्ज पार्टिकल करंट के लिए अपने ही पोजीशन पे थोड़ा सा ड्रिफ्ट करता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट होता है, इसीलिए करंट का एक्सप्रेशन जो है हम लोग आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी लिखते हैं, सपोज याद होगा। तो यहाँ पर क्या है कि हम एक सेक्शन लेंगे, क्योंकि पूरा कंडक्टर ट्रेवल नहीं कर सकता है इलेक्ट्रॉन, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट का लेंथ एल नहीं मान करके फिलहाल डी एल मान लीजिए, और इस डी एल एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा, ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन करंट के अपोजिट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट के अपोजिट होता है, इस तरह से मूव करेगा। तो इस केस में इसकी वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो वी डी वेक्टर इज इक्वल टू डी एल बाय डी टी हो जाएगा, ओके। अब एक क्वांटिटी एज्यूम करना पड़ेगा, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी। फिलहाल जो कंडक्टर मानेंगे उसका नंबर डेंसिटी को यूनिफॉर्म मान लेंगे,
तो यूनिफॉर्म नंबर डेंसिटी एक्चुअली स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। स्मॉल एन क्या होता है? तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कई बार आपने देखा होगा कि मैं जब भी नंबर डिनोट करता हूँ कैपिटल एन से ही डिनोट करता हूँ। रीजन, स्मॉल एन फिजिक्स में कई डिफरेंट मीनिंग रखता है। इस चैप्टर में तो देखिए ये नंबर डेंसिटी का मीनिंग रखा। खैर, तो अगर हम इतने छोटे एलिमेंट की बात करें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए ले लें, तो फिलहाल ये जो सेगमेंट है इसका वॉल्यूम जो होगा वो डी भी होगा, और इसीलिए इसको पूरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है तो डी एन बाय डी भी ले सकते हैं। वेयर डी एन इज इक्वल टू क्या आएगा? एन इंटू डी भी, जो अगर सॉल्व कर लें तो आपको क्या मिलेगा? बिकॉज आपने डी भी लिया है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ डी एल है, तो इस सेगमेंट का वॉल्यूम जो होगा ए इंटू डी एल होगा। ये क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द एलिमेंट। इतने इलेक्ट्रॉन्स जब करंट फ्लो कर रहा है तो उस लेंथ एलिमेंट को क्रॉस कर रहे हैं। तो फिलहाल अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा जिसको बहुत यूज हमने किया था इलेक्ट्रोस्टेट जब पढ़ा था, तो ये था Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। अभी एक काम कर लीजिए आप, अगर हम यहाँ पर डी एन ले लें क्योंकि डी एन नंबर ऑफ पार्टिकल ही हमको मिला है, तो यहाँ जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा, ओके। और अगर डी एन का वैल्यू यहाँ से पुट कर लें तो हमारे पास एन ए डी एल इंटू ई, ओके। इसको आप सजा के लिख सकते हैं एन ई ए डी एल, ये इक्वेशन नंबर आपको वन मान लीजिए। अभी मैग्नेटिक फोर्स हम निकाल लें, किस पे? मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द करेंट एलिमेंट, जो करेंट कैरी कर रहा है जिसका लेंथ छोटा dl आपने माना है। ऐसे तो अभी आपको मिला था F वेक्टर इज इक्वल टू q v क्रॉस b। याद रखें ये जो एक्सप्रेशन मिला है इसमें q जो है वो पॉइंट चार्ज है, सिस्टम ऑफ चार्ज नहीं है, ओके। लेकिन जैसे ही आपने इस कंडक्टर का सेगमेंट काटा तो यहाँ पर जो dl एलिमेंट है वो पॉइंट साइज का ही हो गया, इसीलिए यहाँ पर डी क्यू रखेंगे और यहाँ पर तब डी एफ लिखेंगे। ये टोटल फोर्स नहीं है, स्मॉल एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स है। यहाँ पर वो जो चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी यूज कर रहा है वो वी डी है। आप चाहें तो डी क्यू का वैल्यू वहाँ से एन ई ए इंटू डी एल लिख सकते हैं, और वी डी का वैल्यू वहाँ से डी एल वैक्टर, यहाँ पर वैक्टर होना चाहिए, डी एल वैक्टर बाय डी टी कर सकते हैं और क्रॉस बी, ओके। डी टी वंस अगेन स्केलर है, आप उसको बाहर निकाल लीजिए तो आपके पास आ गया डी एल बाय डी टी, और यहाँ पर आ गया डी एल वेक्टर क्रॉस बी। आप इसको एन ई ए इंटू वी डी भी लिख सकते हैं, तो ये आपको एक्सप्रेशन यहाँ तक, और यहाँ पर I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी लिखा हुआ है, इसको I लिख लीजिए, डी एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, तो ये आपके पास डी एफ वैक्टर आ गया। अगर टोटल फोर्स चाहिए तो डी एफ को इंटीग्रेट करना होगा, ओके। और इंटीग्रेशन का लिमिट वेरिएबल डी एल है, तो जीरो से L तक I डी एल वैक्टर क्रॉस बी। फिलहाल जो टॉपिक है उसके अनुसार आप मान लीजिए कि ये जो बी है वो यूनिफॉर्म है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो वो कांस्टेंट रहेगा, आई कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसमें आप अल्टरेशन नहीं ला सकते, सीधे इंटीग्रेशन डीएल को इंटीग्रेट करके अपना लिमिट पुट कर देगा, और तब आपको एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा आई एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो सिमिलर एक्सप्रेशन है, अगर एफ वेक्टर आपने वहाँ देखा था तो क्यू भी क्रॉस बी था,
यहाँ पर F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी है, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ भी आप सोच सकते हैं कि ये फोर्स क्यों लग रहा है, तो वंस अगेन आप आ जाइए ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में। ये कंडक्टर अगर करंट कैरी कर रहा है तो अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कैसा फील्ड बनाएगा, तो आप थंब रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, इस रीजन में आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। ओके, दो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल वाला है और ये जो अभी नया मैग्नेटिक फील्ड आया, दो सेम नेचर के फील्ड जब इंटरेक्ट करेंगे तो इंटरेक्शन के बाद से फोर्स जनरेट होगा ही और वही फोर्स यहाँ अपीयर हो रहा है। आप चाहेंगे तो यहाँ से मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको मिल गया है क्या कि F इज इक्वल टू, हाँ जिनको भी कॉपी करना होगा वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेंगे, F वेक्टर इज इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में I L B साइन थीटा। यहाँ भी आपके पास सिचुएशन आएंगे जीरो फोर्सेस के, कंडक्टर अगर करंट कैरी नहीं कर रहा है तो उस पर फोर्स जीरो लगेगा, अगर उसका लेंथ बहुत ही छोटा है नेग्लिजिबल है तब भी उस पर फोर्स जीरो लगेगा, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब भी फोर्स जीरो लगेगा, और थीटा जीरो या 180 है तब भी फोर्स जीरो लगेगा, और अगर थीटा 90 हो गया तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स होगा। ओके, यहाँ भी फोर्स के डायरेक्शन निकालने की बात है, तो या तो राइट हैंड थंब रूल, और नहीं तो स्पेशल केस जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, ओके, तो आप FBI मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं।